उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान खत्म भी नहीं हुआ था कि चौथे चरण के लिए तैयारियां शुरू हो गई। चौथे चरण के तहत हरदोई में 23 मार्च को मतदान होना है, इसलिए अब बीजेपी यहां जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी है। हर बार की तरह जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई में बीजेपी के समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर जुबानी तीर चलाए। साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। मतदान से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में रैली करते हुए पूर्व की समाजवादी पार्टी के सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कि कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहावत के जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी छिनेती लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौट आओ, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौट आओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डिंगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? गुजरात सीरियल बम ब्लास्ट का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज कर सजा देगी। प्रधानमंत्री ने साथ ही समाजवादी पार्टी पर आतंकियों का संरक्षण करने का आरोप भी लगाया। अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। यहां समाजवादी पार्टी का जो
चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमें एक बुजुर्ग महिला बीजेपी को वोट देने की बात कह रही है। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया। प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में 3 दिन का समय बचा है, ऐसे में अब बीजेपी ने चौथे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रचार अभियान का बीड़ा उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार के रण में कूद पड़े हैं। न्यूज डेस्क।